नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ प्रशांत शर्मा। प्रो कबड्डी में आज शनिवार के दिन दो बड़े मुकाबले खेले जाने हैं, जिसमें शाम का दूसरा मुकाबला बेंगलुरु बुल्स बनाम तमिल तलाईवास के बीच खेला जाना है। दोनों ही टीमों के लिए आज जीतना ज़रूरी होगा, क्योंकि एक तरफ बेंगलुरु बुल्स है जो इस सीज़न की शुरुआत में पूरी प्रतियोगिता में छाई हुई थी, मगर अब पिछले कई मुकाबलों से ये टीम अपना रंग नहीं दिखा पा रही है और लगातार इस टीम को हार का सामना करना पड़ रहा है। वहीं तमिल तलाईवास जो एक मुकाबला हारती है तो अगला ड्रॉ खेल जाती है, तो ऐसे में ये टीम चाहेगी कि किसी भी तरह से ड्रॉ मुकाबले को अब जीत में बदला जाए। सबसे पहले बात करें बुल्स की, तो इस टीम को अब खाली पवन सहरावत के भरोसे नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि केवल पवन के अच्छा प्रदर्शन करने से पूरी टीम की परिस्थितियां नहीं बदलेगी। पवन ने शुरुआत से ही पूरी कोशिश की है अपनी टीम को जीत दिलाने की, मगर पवन के अलावा कोई अन्य खिलाड़ी कुछ कमाल नहीं कर पा रहा है। बुल्स को आज अपने डिफेंस पर ध्यान देने की ज़रूरत होगी, क्योंकि इस टीम को अभी तक अपने कच्चे डिफेंस की वजह से हार झेलनी पड़ी है। वहीं दूसरी ओर तमिल तलाईवास की टीम को अब ये समझ आ गया होगा कि बुल्स को कैसे रोका जा सकता है। पिछली कई टीमों ने बुल्स के डिफेंस पर अटैक किया और पवन को खेल से बाहर रखा, जिसकी वजह से टीमों को जीत हासिल हुई। तमिल तलाईवास भी आज कुछ ऐसी ही रणनीति के साथ मैच में उतरना चाहेगा, इसलिए इस टीम को अपने डिफेंस में चेन अटैक शामिल करने की ज़रूरत होगी, जो पवन के अलावा कई बुल्स रेडरों की कमजोरी है। अगर आज के मैच में बुल्स जीतती है तो ये टीम अंक तालिका में पहला स्थान कायम रखने में कामयाब रहेगी। वहीं अगर तमिल तलाईवास जीती तो फिर इस टीम को अंक तालिका में ऊपर उठने का मौका मिल जाएगा। अब ये तो आज का मुकाबला बताएगा कि किस महारथी के हाथों में आज जीत लगेगी। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।